हम लोग सभी लोगों के लिए सही करने के लिए आए हैं। जो गलत करेगा कानून को अपने हाथ में लेगा, उसको हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। आप लोग कृपया अपने घरों में चले जाएं। जो भी समझदार लोग हैं मोहल्ले के, मैं उनको चेतावनी देता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग समझाइए सभी लोगों को अपने घरों में भेजने के लिए। हम लोग यहां पर हैं सबकी सुरक्षा के लिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। लेकिन अगर आप लोग यहां से नहीं हटेंगे तो हम लोगों के पास आपके विरुद्ध कार्रवाई करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। आप लोग तुरंत अपने घरों में चले जाएं और अपने घर का काम करें। यहां पर फोर्स रहेगी, जमशेदपुर पुलिस रात भर यहां रहेगी हर किसी की सुरक्षा के लिए। तत्काल आप लोग अपने घरों में चले जाएं। इस चेतावनी के बाद भी अगर आप रोड पर रहते हैं तो माना जाएगा कि आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। विरोध किया था और उसके बाद ये जबरदस्त हंगामा हुआ है। यहाँ लोगों को यहाँ पर चोट लगी है। यहाँ पर पूरे शीशे यहाँ पर टूट गए हैं। हम एकदम ग्राउंड जीरो पे हैं। ग्राउंड जीरो पे आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ रिपोर्टिंग करना काफी मुश्किल है। चारों तरफ से ईंट और पत्थर यहाँ पर चल रहे हैं। हम उस जगह पे आपको लेके हम चल रहे हैं जहाँ पर तमाम जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, SSP, SP, तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि जो हालात है उस हालात को समान किया जाए, लेकिन हालात अभी तक यहाँ पर समान नहीं हुआ है। हमारे संवाददाता मनोज जी भी हैं, साथ में चलते हैं। आप हालात देखिए, तमाम जो रैप के जवान हैं, पुलिस अधिकारी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और ये हालात कब उत्पन्न हुआ? जब एक बूथ पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी और आज मतदान है, जमशेदपुर लोकसभा सीट का आज मतदान हो रहा था, लेकिन 4 बजे मतदान की प्रक्रिया ख़त्म हो गई है। जमशेदपुर के SSP अनूप बिरथरे खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हालात को समान किया जाए, लेकिन जो शरारती तत्व हैं उन्होंने हालात बिगाड़ने की कोशिश की है। सर, ये क्या मामला था और कैसे हालात बिगड़ गए? ये एक्चुअली बूथ पर पहले झगड़ा हुआ था दो पार्टी का आपस में, और उसके बाद उसको शांत करा दिया गया था। आपस में इन लोगों ने पथराव भी किया था, बाद में उन लोगों को अलग कर दिया गया। रैपिड एक्शन फोर्स की एक प्लाटून भी थी यहाँ पर, और उसके बाद कुछ लोगों ने फिर से पथराव किया जिसमें फोर्स के एक व्यक्ति को चोट आई, और उसके बाद लगातार पथराव हुआ है। पुलिस ने इन लोगों को हटा करके अलग कर दिया है अभी, और 4 लोग इसमें अरेस्ट भी किए गए हैं और हल्का लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। स्थिति अभी है, हम लोग हैं यहाँ पर लगातार और रात भर फोर्स यहाँ रहेगी, और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। किसके द्वारा ये कोशिश किया जा रहा था बूथ पर हंगामा करना होगा? ये तो हम लोग को चिन्हित करना होगा कौन लोग ऐसा कर रहे थे शुरू में, किस पार्टी के थे और आपस में क्यों लड़ रहे थे, और इसको हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेट करेंगे। आप जहाँ खड़े हैं उधर भी समर्थक खड़े हैं और उधर भी समर्थक खड़े हैं, तो ये दोनों अपने घर चले जाएं या दोनों यहाँ से हट जाएं, उसके लिए क्या तैयारी की जा रही है? इसी के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। पर्याप्त संख्या में फोर्सेज हैं और भी फोर्सेज हम लोग बुला रहे हैं, और जो भी शांतिप्रिय लोग हैं उनसे हम लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ, और जो नहीं मानेगा या कानून के विरुद्ध कार्रवाई करता उनके विरुद्ध हम लोग उनकी अरेस्टिंग करेंगे और कड़ी कार्रवाई उनके विरुद्ध करेंगे। जमशेदपुर SSP अनूप बिरथरे खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और ये इनका कहना है कि अब यहाँ ये खुद यहाँ कैंप कर रहे हैं कि जो हालात है उस हालात को समान करने की कोशिश की जा रही है, कि जो दोनों पक्ष है दोनों पक्ष को यहाँ पर शांत कराया जाए। रैप के यहाँ पर जवान है, यहाँ पर पुलिस जवान है, यहाँ पर लोग तैनात हैं और हालात बूथ पर हंगामा को लेकर हुआ था। सर, जमशेदपुर के CTSP भी हैं प्रभात कुमार, सर क्या हालात क्या है और किस तरह कोशिश की जा रही है हालात सामान्य करने की? अभी हालात एकदम सामान्य है, अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हम लोग एरिया को डोमिनेट किए हुए हैं, अभी कहीं से कोई दिक्कत नहीं। सर, कैसे माहौल बिगड़ गया, क्या कुछ घटना क्या हुई थी? कुछ सूचना मिली थी कि बूथ पर कुछ लोग, यहाँ जो नियरेस्ट बूथ है वहाँ कुछ लोग आकर के आपस में धक्का मुक्की झड़प कर रहे हैं, उसी में यहाँ फोर्स आई। उसके बाद धीरे धीरे लोग वहाँ से हट गए थे और पीछे की कॉलोनी में आकर के आपस में लोग भिड़ गए। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस लोगों को शांत करने का प्रयास की, बट दोनों तरफ से भीड़ बढ़ते चली गई। उसी के बाद हालात थोड़े बढ़ गए थे, बट अभी कम्प्लीटली कंट्रोल। अभी भी लोग मौजूद हैं, उधर भी लोग मौजूद हैं और उधर, और ईंटें मुझे पत्थर खूब चले हैं, लोगों के घर के शीशे भी टूटे हैं। लोग अभी भी मौजूद हैं दोनों साइड से, लोगों को शांत किया जा रहा है। प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि लोग अपने अपने घर चले जाएं, और लोग घर जा भी रहे हैं। अभी सिचुएशन एकदम कंट्रोल में, अभी कहीं से कोई दिक्कत नहीं। फोर्स और मंगाया गया है क्या? जी, फोर्स मंगाया गया है, फोर्स आ रही है। देखिए, अभी अतिरिक्त फोर्स को अभी और यहाँ पर मंगाया गया है। हमारे साथ हैं जमशेदपुर के वरिष्ठ संवाददाता मनोज जी भी हैं। मनोज जी, अभी क्या स्थिति है अभी हालात का? देखिए, अचानक ये मामला जहाँ से उठा, ये यहाँ पर सेंट जॉन स्कूल है, यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टी द्वारा जबरन बोकस वोट करने के लिए इन लोगों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया था, भीड़ लगा दिया था। उसके बाद ये सूचना
जब प्रशासन को लगी, प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया, तो दो राजनीतिक पार्टी आमने सामने आ गए। हालांकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, दो राजनीतिक पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर है। तो ये दोनों राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग थे जो यहां पर चाहते थे कि हम यहां पर बूथ को कब्जा कर अपना बूथ का वोट का जो परसेंटेज है वो बढ़ाएं। फिलहाल जो स्थिति है वाकई ये नहीं कहेंगे कि खत्म हो गई है, तनावपूर्ण तो है ही, क्योंकि लोग अपने घर में दुबके हुए हैं। प्रशासन रैप है, जैप है, जिला पुलिस बल है यहाँ पर मौजूद है, लगातार पत्थरबाजी भी होता रहा है। लोग जैसे पुलिस हट रही है उसके बाद एक दूसरे लोग जो है वो सामने आ जा रहे हैं। अब राजनीतिक पार्टी से हटकर कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब ये मतलब सामाजिक जो द्वेषता है वो अब यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी वाले वोट खत्म हो गया, 4 बजे तक मतदान था, उसके बाद लोग चले गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बस्ती में ये मामला जाता है तो ये लगता है कि सामाजिक द्वेषता जो है लोगों में है, जिसके कारण अब लोग जो है कि अब सड़क पर उतर गए हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं। अब जिधर भी देखिएगा सड़कों पर ईंटें बिछे हुए हैं, शीशे सबके टूटे हुए हैं, घरों के भी शीशे टूटे हुए हैं, जो वाहन है उसके भी शीशे टूटे हुए हैं। फोन कीजिए ना।